बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो उनका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटी एरिथमेटिक्स। ठीक है, जो एरिथमियाज हमारे पास डेवलप होते हैं उनके लिए हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। एंटी एरिथमेटिक्स होती क्या है? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर जो है वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं एरिथमियाज। और हार्ट के बहुत से फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल पंपिंग ब्लड है, उसके अलावा कंडक्शन है। तो एरिथमियाज क्या होती हैं? ठीक है, एरिथमियाज होता है कि हार्ट की जो कंडक्टिंग एबिलिटी है ना उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो हमारे पास एरिथमियाज डेवलप करता है। अब हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब इन 4 चैम्बर्स में ये एट्रियम्स होते हैं और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं। अब जो एट्रियम होते हैं उसके ऊपर हमारे पास नोड होता है, उसको हम कहते हैं ऐसे नोड। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो नोड होता है वो हमारे पास होता है एवी नोड। ठीक है, सेनो एट्रियल नोड और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब क्या होता है कि ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास जो भी इम्पल्सिस आती हैं वो हमारे पास ऐसे नोड पे आती हैं। ऐसे नोड जो है वो उसे डिस्चार्ज करके पूरे एट्रियम्स तक पहुंचाता है। एट्रियम्स के बाद वो जो एवी नोड पे पहुंचते हैं तो एवी नोड डिस्चार्ज होता है तो वो आगे से फिर परकंजी फाइबर्स के थ्रू जो है वो वेंट्रिकल्स के ऊपर जो पूरी की पूरी कंडक्शन जो है उसे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है कि हार्ट जो है वो कैसे कंडक्शन रिसीव करता है। अब उन कंडक्शन की वजह से इम्पल्सिस जो हैं ये जो हमारे पास आ रही होती हैं इनके अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथमियाज। अब ये जो नॉर्मल होती है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये बनती है। ठीक है, ये हमारे पास होती है तो एरिथमियाज में क्या होगा, फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास PQRST, ये जो हमारे पास PQRST की जो इम्पल्स है उसके अंदर जो है वो जब इस तरह गड़बड़ आना स्टार्ट हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा अब जो है वो हार्ट जो है उसकी नॉर्मल कंडक्शन इम्पल्सिस नहीं हो रही तो इस वजह से अब उसके अंदर एरिथमियाज जो है वो डेवलप हो गए। अब हमारे पास इसको ठीक करने के लिए कि हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एंटी एरिथमेटिक्स। ठीक है, अब जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना ये सारी इम्पल्सिस की, ठीक है, अब हम लोग उसकी कॉजेज़ फाइंड आउट करते हैं कि एरिथमियाज की कॉजेज क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कॉजेज। एरिथमियाज क्या होते हैं? एबनॉर्मेलिटीज इन इम्पल्सिस। और इसकी कॉजेज क्या हैं? जो हमारे पास मोस्ट एरिथमियाज हैं ना वो हमारे पास जो है वो डेवलप होती हैं एबनॉर्मल ऑटोमेटिक अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाए ना, मतलब ये देखें आपको मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है लेकिन आपका हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी तौर पे जो है वो एक्ट करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसमें नहीं है। क्योंकि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है तो अगर आप भूल जाएँ कभी दिल को धड़काना तो वो आपका दिल जो है बंद हो जाएगा तो पंपिंग उसकी एबिलिटीज जो है वो तो वेस्ट हो जाएंगी ना। तो इस वजह से हमारे पास जो डिफेक्ट होता है ना वो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ऐसे नोड जो है ना वो फास्टर हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास एवी नोड जो है वो परकंजी फाइबर्स के थ्रू प्रॉपर कर भी नहीं पाया होता डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्स को कि ऊपर से वो ऐसे नोड दोबारा से इम्पल्स भेज देता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद ब खुद ही काम करना स्टार्ट कर देता है। वैसे क्या होता है कि ये हमारा ऐसे नोड है और ये हमारा एवी नोड है। पहले ये ऐसे नोड सारा का सारा यहाँ पे आता है, एवी नोड जब पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर ऐसे नोड दोबारा इम्पल्स भेजता है। ऐसे नहीं है कि अभी ये आधे रास्ते में है और ऐसे नोड एक और इम्पल्स भेजते। तो हमारे पास जो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी है इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे नोड जो है वो फास्टर रेट पे जो है वो हमारे पास इम्पल्सिस भेजना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है दूसरा है एबनॉर्मल वो है एबनॉर्मेलिटी इन द इम्पल्स कंडक्शन, कि जो हमारी कंडक्टिंग पावर है ना हमारे फाइबर्स की वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इम्पल्सिस फ्रॉम द हायर पेस मेकर सेंटर्स आर नॉर्मली कंडक्टेड डाउन पाथवेज दैट बायफर्केट टू एक्टिवेट द एंटायर वेंट्रिकुलर सरफेस। अ फिनोमेना कॉल्ड री एंट्री कैन अकर इफ़ ए अनडायरेक्शनल ब्लॉक कॉज द मायोकार्डियल इंजरी और अ प्रोलॉन्ग।
अब क्या होता है कि ऐसे नोड से एवी नोड तक आता है और उसने एवी से पूरे उसमें फैलाना होता है, तो दरमियान में कोई इंजरी हो जाए और उस वजह से जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाए और जो है पूरे का पूरा वेंट्रिकुलर या एट्रियल पार्ट के ऊपर जो है कंडक्शन इम्पल्स की ना पहुँच पाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मेलिटी इन द इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एंटी अरिथमियाज होते हैं तो उनकी जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कितनी बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कि जो एरिथमियाज होते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप जो है वो हम लोग ड्रग्स जो हैं वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स जो हैं उनकी क्लासेस बनाई हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है एंड क्लास 4 है। ठीक है, कॉजेज हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, दूसरी हमारे पास है ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासेस ऑफ ड्रग्स के, हमारे पास क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्लास 1, फिर है क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो हमारे पास क्लास 1 है ना, वो हमारे पास है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। जो हमारे पास क्लास 2 है वो हमारे पास है बीटा एड्रेनोसेप्टर्स ब्लॉकर्स, बीटा एड्रीनो सेप्टर्स ब्लॉकर्स। और जो तीसरी हमारे पास क्लास है वो हमारे पास है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम ठीक है। और जो फोर्थ हमारे पास क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, ये हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब जो हमारे पास क्लास 1 है उसके अंदर जो हमारे पास ज़्यादातर जो सी ड्रग्स यूज़ होती हैं उनके नाम है, हमारे पास लाइडोकेन है, फ्लेसिनाइड है, उसके बाद हमारे पास प्रोसिनामाइड है, प्रोपाफेनोन है और क्विनिडीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 1 की ड्रग्स हैं। क्लास 2 इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है कॉपी बुक के अंदर, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये हम नाम कैसे याद करेंगे, वो बने हुए हैं तो आप वहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। क्लास 2 जो है उसमें हमारे पास एटिनोलोल है, एस्मोलोल है और मेटाप्रोलोल। ठीक है, उसके अलावा क्लास 3 है उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं उसमें इब्यूटिलाइड है, सेटोलोल है, क्लास 4 में हमारे पास डिल्टियाजम आ जाता है, वरैम्पिल आ जाती है, ये ड्रग्स हमारे पास आ जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास अदर एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, उसमें हमारे पास डाइजॉक्सिन आ जाती है, उसके अलावा एडिनोसिन आ जाती है, उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है और उसके बाद रिनोलाजीन है। ठीक है जी, ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो हम लोग लेते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं या अगर फर्दर किस तरह जो है वो काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्लास 1 देखी है, वो क्या है, हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो क्लास 1 जो है ना वो आगे से फर्दर डिवाइड है 3 कैटेगरीज में, 1A, 1B एंड 1C, तीनों की तीनों हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉक करती हैं, लेकिन किस तरह काम करती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 1A, ठीक है, क्लास 1A जो है वो हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये हमारे पास करती है स्लोज फेज 0 डीपोलराइजेशन इन
वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फेज ज़ीरो डीपोलराइजेशन कॉज करती है। इन वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है, क्लास वन बी जो है वो भी हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है और वो हमारे पास शॉर्टेंस फेज थ्री रीपोलराइजेशन। ये जो है ऊपर वाली जो है वो हमारे पास स्लो करती है, स्लोज, और ये हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर ही है, ठीक है। ये भी हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये हमारे पास करती है शॉर्टेंस फेज थ्री रीपोलराइजेशन। शॉर्टेंस फेज थ्री रीपोलराइजेशन, फेज थ्री ठीक है, क्लास वन सी, ये भी हमारे पास सोडियम पे एक्ट करती है और ये हमारे पास कॉज करती है मार्कली स्लोज फेज ज़ीरो डीपोलराइजेशन। ये भी हमारे पास स्लोज फेज ज़ीरो डीपोलराइजेशन। ये तीनों की तीनों जो है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स जो है वहाँ पे एक्ट करती हैं। क्लास टू जो है बीटा एड्रिनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स है, ये हमारे पास इनहिबिट फेज फोर डीपोलराइजेशन। बीटा एड्रिनो रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करती है और ये हमारे पास करते हैं इनहिबिट फेज फोर डीपोलराइजेशन, इनहिबिट्स फेज फोर डीपोलराइजेशन इन एस ए नोड्स और ए वी नोड्स, ठीक है जी, एस ए एंड ए वी नोड्स। क्लास थ्री की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और ये हमारे पास प्रोलॉन्ग करते हैं फेज थ्री रीपोलराइजेशन। ये भी हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स के अंदर एक्ट करते हैं। फोर जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये इनहिबिट एक्शन पोटेंशियल इन एस ए एंड ए वी नोड्स, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और ये हमारे पास इनहिबिट, ये इनहिबिट करते हैं हमारे पास एक्शन पोटेंशियल इन एस ए एंड ए वी नोड्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सारी क्लासेस और मोड ऑफ एक्शन है और उनके आगे से कि वो क्या क्या हमारे पास किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है वो अब बात कर लेते हैं, ये सारी क्लासेस हैं। अब देखें, अगर हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन कॉज हो रही है वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स की, तो हम लोग जो है वो क्लास वन ए देंगे। अगर हमारे पास फेज थ्री जो है वो शॉर्ट हो रहा है तो हम क्लास वन बी देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास फेज ज़ीरो की डीपोलराइजेशन हो रही है तो हम वन सी देंगे। इन केस अगर जो है वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एस ए नोड में या ए वी नोड में, तो हम लोग क्लास फोर देंगे, क्लास फोर की ड्रग्स देंगे। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को एस ए और ए वी नोड्स में। तो एस ए और ए वी नोड्स की अगर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो एरिथमिया कॉज करेगी वो, उसकी जगह हम लोग ये वाली ड्रग दे देंगे तो वो इसके एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देगा, तो एरिथमिया जो है वो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग अकॉर्डिंग टू द कॉज
कि वो कॉज कौन सी है जिसकी वजह से एरिथमिया हो रही है, उसके मुताबिक हम लोग जो है वो उस पेशेंट को जो है ड्रग सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रग्स जो हैं वो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल ही हों। अगर ये एरिथमिया को जो है वो ट्रीट कर रही होंगी तो ऑब्वियसली बात है ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास कोई साइड इफ़ेक्ट भी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की। अगर हमारे पास एरिथमिया की कंडीशन जो है वो परमानेंटली डेवलप होगी और पेशेंट को जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर ये ड्रग लेनी पड़ जाती है, तो फिर उसके अंदर जो उन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं उसमें हमारे पास आ जाता है ब्लर्ड विजन, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास टिनिटस आ जाता है, हेडेक आ जाता है, डिसोरिएंटेशन आ जाती है, डिसोरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन जो है ना उस वो सही तरीके से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता, डायरेक्शन लूज़ हो जाती है, और साइकोसिस। इसके अलावा भी मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन मेजरली जो है वो हमारे पास एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स की ये वाले जो हैं वो आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास जो अदर एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स आ जाते हैं उसमें मैंने आपको बताया डाइजॉक्सिन है और एडिनोसिन है, वो भी हमारे पास इसी तरह जो है वो एक्ट करती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है वो एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स का समझ आ गई होगी कि वो किस तरह जो है वो एक्शन करती हैं जाके हार्ट के ऊपर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।